जिले में खाद प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं नमूना लेने की कार्यवाही है सतत जारी। कलेक्टर तरुण राठी के निर्देशानुसार डॉक्टर राजकुमार ईशेश्वर अभिहेती अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला गुना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्रियों की निरंतर जांच कार्यवाही जारी है। इस क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन, रवि शिवहरे एवं लखन लाल कोरी द्वारा फर्म हरिओम एंटरप्राइजेस गुलाब चंद्र कैंट गुना से गुलाब जामुन एवं कैंडी, फर्म जैन स्वीट्स हनुमान चौराहा गुना से दूध बर्फी एवं बूंदी के लड्डू, फर्म जानकी स्वयं सहायता समूह श्रीराम कॉलोनी रेलवे स्टेडियम गुना से आटा एवं सोयाबीन, बड़ी फर्म श्रीराम इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया गुना से मिश्रित दूध पनीर मावा एवं घी के नमूने जाँच हेतु लिए गए। उक्त नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरंतर जांच एवं नमूना कार्यवाही सतत रूप से भी जारी रही। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु आमजन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराने जिला निर्वाचन अधिकारी गुना तरुण राठी, कलेक्टर गुना एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुना विजय कुमार खत्री द्वारा दिशा निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुन्ना मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर पतंग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में गत दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को SDOP भुना विवेक अस्थाना के नेतृत्व में जिले के बमौरी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद सिंह गौर द्वारा अपने थाना स्टाफ तथा BSF के भारी बल सहित थाना क्षेत्र के ग्राम पाटन, विशनवाड़ा, वाकरी, परांठ, मोहाल कॉलोनी आदि ग्रामों में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें इस दौरान पुलिस द्वारा आमजन से आदर्श आचार संहिता का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव के दौरान निर्भीक होकर मतदान करने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में पुलिस व प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। बदला लेने घर में लगाई आग, 6 बीघा की मक्का की फसल और गृहस्थी का सामान जल, दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के एक दंपत्ति ने अपने ही परिवार के लोगों पर बदला लेने घर में आग लगाने के आरोप लगाए हैं। फरियादी महिला क्लेशबाई पत्नी कल्ला सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। फरियादी महिला क्लेशबाई पत्नी कल्ला सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि परिवार के ही लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी, उसी का बदला लेने के लिए हमारे मकान में आग लगा दी, जिससे मकान के अंदर रखी मक्का की 6 बीघा की फसल सहित खाने का अनाज, घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। मामले की शिकायत बजरंगगढ़ थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पीड़ित दंपत्ति का आरोप है कि बजरंगगढ़ थाना पुलिस द्वारा सही से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और ना ही कोई कार्यवाही की गई। पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक गुना से शिकायती कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? कल्ला जाटा। किस गांव से आए? क्रिया करो। थाना कौन सा लगता है? क्या समस्या लेकर आए? ये सर घर में आग लगा दी है। किसने लगा दी? राजू, विनोद, रवि। किस कारण से, क्या वजह रही? ये सर खेरे में घर बना लिया है मैंने 2 साल से, तो उधर अपना पुराना बाकर में भी लोग रह रहे हैं, मैं इधर रह रहा हूँ, जो की मेरे किताब है मेरे पास, तो बोल रहा है इसमें से घर हटा, मैं आग लगा दूंगा। कई बार तो जगह उनकी है या आपकी है जी? अब तो सब हमारी है वो। तो क्या हुआ फिर आग लगने से? आग लगा दिया सर, बोलते थे कि आग लगा देंगे, आखिर लगा ही दिया उन्होंने। तो आग लगने में फिर क्या हुआ? थाने में रिपोर्ट करी तो लोगों ने पैसा भर के, पुलिस इधर उधर बरकत कर रही है सर, पकड़ने का कोई नाम ही नहीं ले रही। आपका आग में क्या नुकसान हुआ? मक्का जल गई। कितनी? कम से कम 2 डाल मक्का जल गया। कितने बीघा की थी? 6 बीघा की मक्का थी। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हुआ है अपना कम से कम 1.5-2 लाख का। आज आपने SP साहब से शिकायत की है, तो क्या बोला है फिर उन्होंने? बोला है सर 3 स्टार दरवाजी है, उन्होंने बोला है कि कार्रवाई करी जाएगी। जी बताइए, आपका क्या नाम है? अखिलेश भाई। किस गांव से आई हो? खिरिया से, करोत खिरिया। थाना कौन सा लगता है? बजरंगगढ़। क्या समस्या लेकर आए? घर में आग लगा दी है। किसने? राजू, विनोद, रवि। ये कौन है? ये परिवार के हैं। क्यों लगा दी? इसलिए बोले भी कह दी हमारी जगह में घर बना है, अगर तुम इधर से घर हटाओ नहीं हम आग लगाएंगे। तो हमने कही भाई हम कैसे हटा लाए कि तुम हमारी जगह दे दे, तो हम तुम नहीं देने, मतलब किताब में तो वो हमारी आएगी है, तो मैं से कैसे हटा देंगे भाई साहब? तो भी कह लगे कि इधर तेरे बाप की नहीं है, हमारी है।
तो फिर आपने अपने थाना में शिकायत की? थाने में शिकायत की थी तो दिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर आज आपने एसपी साहब से शिकायत की है, तो क्या बोला है फिर उनने? भोपाल में मंडल पर दिनांक 30/10/2023 से 5/11/2023 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन दिनांक 2/11/2023 को मंडल कार्यालय में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ कटारिया की अध्यक्षता में प्राइवेट वेंडर से ठेकेदारों के साथ वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस वार्ता में उपस्थित ठेकेदारों वेंडरों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधन सौरभ कटारिया ने कहा कि भ्रष्टाचार देश की प्रगति में बाधक बना है, उसका समूल नष्ट होना आवश्यक है। आप सभी अपने अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हुए कार्य निष्पादित करें, किसी भी प्रकार के गलत कामों में लिप्त ना रहें। आप सभी अपने सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को अपनाएं। श्रम आधारित अनुबंधों में भी यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कर्मचारियों के आर्थिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। आपके सहयोग से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस अवसर पर मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक पंकज कुमार दुबे ने ठेकेदारों वेंडरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी अपने कामों के प्रति ईमानदार व पारदर्शिता रखें ताकि किसी प्रकार की शिकायत की उत्पन्न ना हो। आज के इस वार्ता में सहायक वाणिज्य प्रबंधक दरवेद कुमार सिंह तथा खान पान सेवा माल पार्सल साफ सफाई गैर किराया राजस्व एवं वाणिज्य प्रचार से जुड़े ठेकेदार उपस्थित थे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु आमजन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराने जिला निर्वाचन अधिकारी गुना तरुण राठी, कलेक्टर गुना एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुना विजय कुमार खत्री द्वारा दिशा निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुन्ना मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर पतंग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में गत दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को SDOP भुना विवेक अष्टाना के नेतृत्व में जिले के बमौरी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद सिंह गौर द्वारा अपने थाना स्टाफ तथा BSF के भारी बल सहित थाना क्षेत्र के ग्राम पाटन, विशनवाड़ा, वाकरी, परांठ, मोहाल कॉलोनी आदि ग्रामों में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें इस दौरान पुलिस द्वारा आमजन से आदर्श आचार संहिता का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव के दौरान निर्भीक होकर मतदान करने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में पुलिस व प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। पति को मारने की धमकी देकर पत्नी से रेप, रिश्तेदार आरोपी ने पति को भेज दिए महिला के अश्लील फोटो, FIR दर्ज। शहर के कोतवाली इलाके में 25 वर्षीय महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी महिला का रिश्तेदार ही लगता है। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो उसके पति को भेज दिए। पति ने जब पत्नी से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि 3 वर्षों से आरोपी डरा धमका कर उसके साथ रेप कर रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा में मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने बुधवार देर रात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी मौसी सास के लड़के से उनकी पहचान थी। लगभग 3 वर्ष पहले उसके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया था। इस दौरान उसने महिला के अश्लील फोटो भी खींच लिए। इसके बाद से वह लगातार फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करता रहा। महिला डर के कारण किसी को कुछ बता नहीं पाई। कुछ दिन पहले आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो उसके पति को भेज दिए। यहीं से सारा मामला खुला। पति ने जब महिला से पूछा तो उसने सारी कहानी बताई। उसने पति को बताया कि 3 वर्ष पहले उसने डरा धमका कर रेप किया और फोटो खींच लिए। इसके बाद से ही वह लगातार फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप करता रहा। इसके बाद पति पत्नी कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना प्रभारी TI अनूप भार्गव ने बताया कि महिला की शिकायत पर गोलू ओझा के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की विवेचना कर रही है। गुरुवार को महिला के कोर्ट में बयान कराए जाएंगे। मामले में IT एक्ट की धारा भी बढ़ाई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले की अंतर्राज्यीय अंतर जिला सीमाओं पर पुलिस की नाकाबंदी, सीमाओं से आने जाने वालों की पुलिस द्वारा की जा रही सघन चेकिंग। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जिले में निष्पक्ष व पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराए जाने, आमजन में सुरक्षा का भाव बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक गुना विजय कुमार खत्री द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सघन चेकिंग करने, मतदान केंद्र पर निरंतर भ्रमण करते रहने, शहर व
देहात क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाले जाने हेतु एवं फोर्स को अपने अपने कर्तव्य स्थल पर पूरी मुस्तैदी व सजगता से ड्यूटी हेतु निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुना विजय कुमार खत्री के निर्देशानुसार विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत जिले में पुलिस द्वारा जिले की अंतर्राज्यीय व अंतर जिला सीमाओं पर नाकाबंदी करते हुए राजस्थान राज्य की सीमा पर 13 अंतर्राज्यीय नाका एवं जिला शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा एवं राजगढ़ जिलों की सीमाओं पर कुल 12 अंतर जिला नाका बनाए गए, जिन पर पुलिस एवं प्रशासन की टीमें मुस्तैद की गई। उनके द्वारा जिले की सीमा से आने जाने वाले वाहनों व व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखते हुए जिनकी सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में भी पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा एक अभियान के रूप में वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, संदिग्धों, संवेदनशील क्षेत्रों आदि में सघन चेकिंग करते हुए लोगों को संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की गुना से आ रही है। सेल टैक्स विभाग ने की पटाखा व्यापारी पर छापामार कार्यवाही। स्टॉक से अधिक माल रखे जाने पर की कार्यवाही। 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, जिसमें 25 लाख रुपए की पेनल्टी, 25 लाख का टैक्स, 5 लाख का जुर्माना सम्मिलित। कुशमौदा क्षेत्र में न्यू बालाजी ट्रेडर्स पर की छापामार कार्यवाही। 36 घंटे में की पूरी कार्यवाही। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रत्येक 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर वन कर्मियों को वन सुरक्षा एवं विशेष उपलब्धियों हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश कमेंडेशन डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। सामाजिक वानिकी वृत्त ग्वालियर के अंतर्गत पदस्थ हृदय सिंह भदौरिया रोपड़ सहायक कैंट रोपड़ी गुना को इस बार ये कमेंडेशन डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र से भोपाल में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर खास बात यह भी है कि संपूर्ण वन व्रत ग्वालियर में हृदय भदौरिया पहले ऐसे वनकर्मी हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं हृदय सिंह भदौरिया, मैं सामाजिक वानिकी गुना इकाई कैंट रोपनी गुना में पदस्थ हूँ एवं ग्वालियर चंबल संभाग से आज दिनांक 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुझे संभाग स्तर से पुरस्कृत किया गया है। वन बल प्रमुख द्वारा इस मुहिम के तहत सभी संभाग से जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग से मुझे यह पुरस्कार प्रदान हुआ है। धन्यवाद।